आयुष शर्मा की फिल्म नवरात्रि को लेकर हो रहे विरोध के बाद सलमान खान ने फिल्म नवरात्रि का नाम बदलकर इसका नया नाम लव यात्री अ जर्नी ऑफ लव रख दिया है। फिल्म के नाम को लेकर कई हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। विरोध कर रहे संगठनों का आरोप था कि फिल्म के नाम से हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही है। अभी हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर के कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में मिली शिकायत के बाद सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। अब सलमान खान ने फिल्म के नए पोस्टर को रिलीज करते हुए कहा, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, फिल्म का नया नाम लव यात्री है। फिल्म के इस नए पोस्टर पर इसका नया नाम लिखा हुआ है, जिसमें वरीना हुसैन और आयुष शर्मा एक दूसरे में खोए हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म के नाम को लेकर हो रहे विरोध के बाद सलमान खान ने हाल ही में कहा था, नवरात्रि बेहद खूबसूरत नाम है, प्रेम से सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए इसे नवरात्रि कहा गया है। फिल्म का उद्देश्य किसी भी संस्कृति को नीचे दिखाना नहीं है, हम ये फिल्म नवरात्रि की पृष्ठभूमि पर बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक फिल्म लव यात्री में सलमान खान कैमियो रोल में नजर आएंगे। वहीं फिल्म में अरबाज और सोहेल खान भी है, जो कि पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। वहीं इसे डायरेक्ट अभिराज मीनावाला ने किया है। लव यात्री फिल्म से आयुष शर्मा और वरीना हुसैन अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म 5 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।